ये शेकन का गुस्सा कई दिनों के लिए पश्चाताप कराता है। मैं तो जेल में जाता हूँ, जब कैदियों की कहानियां सुनता हूँ, बस कुछ नहीं, एक शेकन में गुस्सा किया, पूरा लाइफ पश्चाताप कर। तो आप लोग तो बहुत बड़े बातों से बच गए, बड़े बड़े डाकुओं से बच गए। कौन से डाकू? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे डबल लाइट बनो, हल्के बनो। किसी ने ग्लास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा, तुम हमेशा करते हो। ग्लास गुस्सा करेंगे, ग्लास फटाफट जुट जाएगा। ग्लास था 100 रुपए का, गुस्सा करेंगे हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसीलिए गुस्सा नहीं करो, डबल लाइट करो, तोड़ गया ना, अरे बेटा कोई बात नहीं, दोबारा नया लेने में कोई बात नहीं, खुश रहो। बस चली गई, बस का स्टैंड पर गए, बस चली गई, इतना गुस्सा करेंगे, मेरे को टिफिन नहीं दिया, मेरे को छोड़ा नहीं, बस क्या वापिस फटाफट आएगी, बस की गई। अनमोल विचार भी व्यस्त थे, कहते 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति के लिए, 21वीं सदी तनाव की सदी। और तनाव की चपेट से बचने के लिए सकारात्मक विचार जरूरी है। ये मुरली का एक एक पॉइंट हमारे लिए क्या है? सकारात्मक विचार है। तो डबल लाइट बनने का आधार, मेहनत से मुक्त बनने का आधार, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, कभी भी तनाव पीछे नहीं आएगा।